सुप्रभात बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी का पार्ट 9, राहुल की गुल्लक। तो आज हम इसकी क्या करने वाले हैं, इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 9, राहुल की गुल्लक। आज राहुल का जन्मदिन था। माँ पिताजी ने राहुल के सारे दोस्तों को बुलाया था, साथ ही माँ की कुछ सहेलियाँ और पिताजी के दफ्तर के कुछ मित्र भी आए थे। समारोह खत्म होने के बाद राहुल उपहार खोल खोल कर देख रहा था। रिमोट वाली कार, टेडी बियर, वीडियो गेम, पुस्तकें आदि ढेरों उपहार मिले थे। अचानक राहुल की नज़र एक उपहार पर ठहर गई। उसको सुंदर कागज़ में बड़ी सुंदरता से लपेटा गया था। राहुल उसके आकार से अंदाज लगाने लगा कि यह क्या हो सकता है, पर वह अंदाज नहीं लगा पाया और आखिरकार उसे कागज़ खोलना ही पड़ा। वाह, उपहार देखते ही राहुल उछल पड़ा था। यह तो पिगी बैंक गुल्लक है। माँ, जल्दी आओ, देखो मेरा उपहार। पिगी बैंक पाकर राहुल बहुत प्रसन्न था। माँ ने उसे बताया कि उनके बचपन में मिट्टी की गुल्लक बनती थी, जिसमें बने छेद में से पैसे डालते थे और जब गुल्लक भर जाती थी तो गुल्लक तोड़कर पैसे निकालते थे। अब पिगी बैंक प्लास्टिक या लोहे की बनती है और उसमें ताला लगाया जाता है। राहुल को गुल्लक बहुत पसंद आई। वह अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर गुल्लक में डालने लगा। अब उसने टॉफ़ी, आइसक्रीम खाना भी कम कर दिया था। उसके मन में एक ही लगन थी कि उसकी गुल्लक जल्दी से जल्दी भर जाए और वह उन पैसों से अपनी मनपसंद वस्तु खरीद सके। आखिरकार राहुल की गुल्लक भर गई। माँ ने रविवार को बाज़ार जाकर राहुल की मनपसंद वस्तु खरीदने का वादा किया। राहुल स्कूल से घर लौटा तो माँ बाहर गई थी। घर में नौकरानी चंपा थी। उसने राहुल को खाना दिया और खाना खाकर राहुल अपना गृह कार्य करने लगा। तभी बाहर अचानक चिल्लाने रोने की आवाज़ आई। नौकरानी चंपा का 4 साल का बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था और उसका सिर फट गया था। चंपा उसे गोदी में लिए रो रही थी। उसके पास डॉक्टर को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। राहुल सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। माँ पिताजी घर पर नहीं थे। अचानक उसे अपनी गुल्लक का ख्याल आया। वह भागकर गुल्लक ले आया। गुल्लक खोलकर रुपए गिने। लगभग 450 रुपये जमा हो गए थे। राहुल ने वे रुपए चंपा को दिए। चंपा राहुल को दुआएं देते हुए बेटे को डॉक्टर के पास ले गई। शाम को माँ पिताजी लौटे तो चंपा ने उन्हें सारी बात बताई और राहुल की खूब प्रशंसा की। माँ पिताजी ने राहुल को खूब प्यार किया। अपने बेटे की समझदारी पर वे बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद।